पेट बराबर पे हिलना मत ती ऊपर है। आप देख लीजिए कि आज एक गर्भवती महिला को नदी पार कराने के लिए सबसे बड़ा जोखिम लेना पड़ा। ट्रैक्टर के ट्यूब से उसको नदी पार कराया गया और नदी पार कराने के बाद उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, उनके आवागमन के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, ग्रामीण क्षेत्र में कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं थी। इसी तरीके से कुछ दिन पहले जो जंगल का क्षेत्र है, आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, वहां पर बच्चियां पढ़ने के लिए जो जाती है उनको एक रपटे पर बहते हुए पानी से निकलते हुए देखा था। पूरे देश में उस वीडियो पर चर्चा हुई थी और वो हम लोगों को शर्मसार करने वाला वीडियो था। कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करते हैं तो जो अधिकारी हैं वो अभी सिर्फ कागज की नाव दौड़ा रहे हैं विकास के नाम पर। कोई रोडमैप नहीं है, कोई विकास का पुख्ता जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हरदा में नहीं है। हर तरफ से खोखला हो चुका है हमारा जो मॉडल है, विकास का मॉडल है वो पूरी तरीके से खोखला और दिखावटी और कागज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तक सीमित रह गया। जमीनी स्तर पर हरदा की स्थिति बेहद खराब है। पेट बराबर बराबर बैठना बराबर बैलेंस बना के रख बराबर और रेटिंग में ऐसा निकल जाता और वैसा निकल जाता। हिलना मत ती ऊपर हाँ चुपचाप चुपचाप। अरे चप्पल आप उधर ही धोले ना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।